उस परिवार को क्या मालूम था कि शादी की तैयारी के लिए जो नकदी और सामान जुटा कर रखे हैं, वो आग के हवाले हो जाएंगे, उनके हाथ कुछ नहीं बचेगा। ऐसा ही हुआ शनिवार को बरवड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटाड़ में। खुशी तो थी, शादी के लिए लड़की देखने जाना था, लेकिन आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि सब कुछ राख हो गया। आग की सूचना मिलने के बाद अगल बगल वाले लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती चली गई। उसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घर वालों के अनुसार पहले तो आग का पता ही नहीं चला, लेकिन जब चारों ओर धुआं उठने लगा तो लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई। फिर आनन फानन में बिजली का स्विच काट कर आग की रफ्तार को रोकने की कोशिश की गई। स्विच काटने से भी ये लाभ हुआ कि बगल के घर में आग नहीं फैली, लेकिन इसके पहले बहुत नुकसान हो चुका था। आज कितने बजे आग लगी थी? आग लगा था, हम लोग माने 3 घंटा हो गए आप लोग को आने के लिए। हमारा हम लोग आधा घंटा में ही देखा, 2 घंटा 2.5 घंटा माने हम लोग को आप लोग को खुदने फोन करने लग गए। तो 3 घंटा हो गए हम लोग आए लाने कार्ड। कैसे आग लगा था ये जन बेटा? हम बोलने नहीं सकते, जब फूट रहा तो हम धुआं खूब हो रहा, तो बोले धुआं कैसे हुआ तो आग लगे, तो मेन स्विच काटा हम लोग फट फिर एक घर में, नहीं तो घर लग जाता बाहर घर में। तो घर में सब था बेटा, शादी है मेरी, क्या हो पैसा कोड़ी सब जल गया उसमें था। शादी कब कब था शादी? देखने जाना है इतवार को। क्या क्या कुछ क्या क्या जला है आपके घर पे? सब कुछ भर गए ना, सब पैसा 5 लाख मांगा था उसको, हम झगड़ करके राख रहा था। हमारा बच्चा खाली एमनी टेम पूरा नहीं करता, एक ठो बच्चा नहीं काम करता, उसको माथा डिस्टर्ब है ना, तो वो नहीं करता है। एक ठो बच्चा काम कर रहा है, हम घर चला रहा, हम 4 गो लड़की है, 2 गो को शादी किया, 2 गो बाद में है। कितना का मतलब जो संपत्ति हो, कितने का जला हुआ कम से कम? कम से कम कितना संपत्ति चाचा? तो तुम लोग हिसाब करो कितना। मतलब घर में कुछ पैसा भी रो लो सिटरा दे, मतलब कितना करीबन सामान? 5 लाख का सब कुछ लिया। किन क्या नाम है आपका? हमारा बेला रानी सिंह। और जो बेटा बेटा घर है, क्या नाम है? राजेश सिंह। क्या करता है बेटा? ऐसे ही मैंने काम करता है प्राइवेट में। नंदमार्ग कोलांचल में आग का उत्पात लगातार जारी है। एक साल पहले आशीर्वाद टावर और हाजरा क्लिनिक में लगी आग ने 19 लोगों की जान ले ली थी। इधर आज भेराटाड़ में घर में लगी आग के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि शादी के लिए सब सामान जुगाड़ कर रखा गया था, कुछ नगद भी रखे गए थे, सामान भी थे, लेकिन सब जल गए। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।